समाजवादी पार्टी कार्यालय ककोर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि पूर्व सदस्य विधान परिषद महेश आर्या एवं पूर्व प्रत्याशी लोकसभा अजय पाल जाटव ने समाजवादी कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया और बताया, सपा छोटे से लेकर बड़े हर समुदाय के लोगों की पार्टी है। सभी समाज के लोग इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में यह भाजपा को भारी मतों से हराकर समाजवादी पार्टी को भारी मतों से जिताएंगे। हम सभी लोग एकजुट होकर घर घर जाएं और समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताएं एवं जनता का भाजपा के लोगों से मोह भंग हो रहा है। जनपदीय विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह यादव ने अन्य दलों से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए सैकड़ों युवाओं को माला पहनाकर स्वागत किया एवं पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया, पूर्व मंत्री विनोद यादव, प्रदीप यादव, पूर्व विधायक राम नरेश यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख एरबा कटरा प्रभाकर पांडे, ओम प्रकाश ओझा, अवधेश भदौरिया, सुमन दिवाकर, मुकेश कौरी, गंदेवी यादव, उदयवीर यादव प्रधान लखनऊपुर, धर्मेंद्र यादव प्रधान, राजेश यादव प्रधान, वीरेंद्र सत्तार हाफिज, बैकुंठ यादव पूर्व प्रधान, पुति यादव, तिलक यादव आदि सैकड़ों की संख्या में समाजवादी युवा कार्यकर्ता समाजवादी कार्यकर्ता सम्मेलन में एकत्र हुए। और अयोध्या से संवाददाता एस के यादव की रिपोर्ट। श्री विनय कुमार, श्री सुशील गौतम जी, इस प्रकार से लगभग 25 लोगों ने श्री विनय कुमार, श्री सुशील गौतम जी, इस प्रकार से लगभग 25 लोगों ने समाजवाद की बात करती है, वो आज का बनाया हुआ समाजवाद नहीं है। हमने चाहे बहुजन समाज पार्टी में लंबे अरसे से जमीन स्तर से काम किया, समाजवाद के लिए ही काम किया। जो समता, समानता, बंधुत्व, प्रज्ञा, करुणाशील, दया, मैत्री, ये समाजवाद के ही एक विभिन्न अंग। संपत्ति पर इस देश के आमजन मानस का हक होना चाहिए। देश की संपत्ति इस देश के लिए होनी चाहिए। उस देश की संपत्ति को आप चंद हाथों में जी साहब के लिए बेचते जा रहे हैं तो दोस्तों राष्ट्रद्रोही आप हैं। लेकिन आपका मीडिया हाउस, मैं मीडिया कर्मियों की बात नहीं करता, मैं मीडिया बंदियों की बात नहीं करता, लेकिन जो मीडिया हाउस इस देश में है वो चंद पूंजीपतियों का है। आपने उनके हाथों में इस देश की संपदा को बेच करके उनको खुश करने का काम किया है। तो दोस्तों आज जो मीडिया हाउस आपकी बात करते हैं, आपके झूठ का प्रचार करते हैं, सुबह से आप चैनल खोलेंगे तो मोदी मोदी के अलावा दूसरा आपको समाचार दिखाने का काम नहीं करते हैं। इसके पीछे वजह क्या है दोस्तों? इसके पीछे सीधी साधी वजह है, देश की जो संपदा